इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्स, आखिर इन कमांडो के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और कमांडो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले बात करते हैं कि कमांडो की ट्रेनिंग कैसी होती है। रोजाना 42 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है और 7 किलोमीटर पानी में तैरना पड़ता है और 3200 पुशअप लगाना पड़ता है और 25 अलग अलग तरह की बेहद ही कठिन एक्टिविटी के साथ, और 42 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर अपने से दोगुना वजन लेकर दौड़ना पड़ता है। 22 घंटे की ट्रेनिंग में जवानों को केवल 2 घंटे की नींद ही नसीब होती है, 15 दिन तक जागने की ट्रेनिंग। स्पेशल फोर्स को कमांडो को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे बिना खाए पिए और बिना सोए 15 दिन तक लड़ाई करते रहे, और कमांडो 50 डिग्री से भी ज्यादा वाले रेगिस्तान और खून जमा देने वाले सियाचिन में लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये है भारत के स्पेशल फोर्स। पहले बात करते हैं पैरा कमांडो। 2015 में म्यूमार में सर्जिकल ऑपरेशन पैरा कमांडो ने ही पूरा किया था। इन कमांडो को दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना कोई सबूत छोड़े ऑपरेशन को पूरा करने के लिए जाना जाता है। एक कमांडो थल सेना के होते। दूसरा है मार्कोस कमांडो। यह कमांडो वैसे तो भारतीय नौसेना के जवान होते हैं, लेकिन ये किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो इन्हें माना जाता है। मार्कोस कमांडो को 3 डायमेंशन फोर्स भी कहा जाता है। तीसरा है गरुड़ कमांडो। भारतीय एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स। देश में करीब 2000 गरुड़ कमांडो है जिन्हें 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि आधे तो कुछ ही महीने में छोड़कर चले जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है, बिना सहारे के पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारना भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अब चौथा है एनएसजी ब्लैक किट कमांडो। पहली ट्रेनिंग में जवानों को 26 तरह की मुश्किलों को पार करना होता है। इसके बाद इन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। इस 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 50,000 जिंदा कारतूसों को अपनी फायरिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना पड़ता है। एनएसजी कमांडो काले रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। इनकी ड्रेस पर काली बिल्ली का प्रतीक चिन्ह भी होता है, इसलिए एनएसजी कमांडो को ब्लैक किट कमांडो कहा जाता है। भारत में जितने भी वीआईपी सेलिब्रिटी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड होते हैं, दरअसल एनएसजी कमांडो ही होते हैं। मेरे जितने भी भाई इंडियन लवर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक जरूर करें।